नमस्कार, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। जैसा कि बच्चों आज का रिस्पांस मुझे मिला कि सर 28 और 29 जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, सॉरी 29 और 30, वो कुछ अलग टाइप के, अलग टाइप के तो कुछ नहीं थे बेटे, इनको आपने कहा सोल्व करवा देना है तो मैं सोल्व करवा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अलग नहीं थे, ये बहुत सिंपल है, जो आपने कर लिया है पूरा चैप्टर उससे भी सिंपल है। देखिए क्या है, आपको जर्नल का फॉर्मेट दे रखा है और नरेशन दे रखी है, नरेशन को पढ़ना था और उससे आपने एंट्री करनी थी। ठीक है, तो आप आज सोल्व करके दिखाता हूं मैं ये वाला। तो जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट क्या कहता है। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000, लिस्ट प्राइस था 5,000, सिंपल। सोल्ड एट 10% रेट डिस्काउंट, लेस करो 10% रेट डिस्काउंट, डायरेक्ट लेस करते हैं 500 रुपए, कितना आ गया 4,500। 2% कैश डिस्काउंट, क्योंकि तुरंत कैश बेचिए तो 2% कैश डिस्काउंट भी यहां कर देते हैं, 4,500 × 2 कितना आ गया 90 रुपए, 4,410 रुपए हमें कैश क्या करना पड़ेगा, सेल की है तो कैश आएगा हमारे पास कितना 4,490 रुपए। ठीक है ना, लिस्ट प्राइस था 5,000 रुपए, उनपे एमएसपी था, 10% रेट डिस्काउंट दिया 500 डायरेक्ट माइनस 4,500, 2% कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया 90 रुपए, 4,500 × 2% निकालोगे ना 4,500 × 2% डायरेक्ट कितना आ गया 4,500 × 90 माइनस किया 4,410 रुपए आपका आ गया। तो इसमें क्या कहना था, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट कितना 4,410 रुपए आया आपके पास, डिस्काउंट कितना अलाउ किया आपने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 90 रुपए, टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया 4,500, सिंपल। बाकी नरेशन जो क्वेश्चन में वही दे देंगे। अब दूसरा क्या कहता है, द परचेजेस ऑफ मोटर कार, मोटर कार यानी कि मोटर व्हीकल परचेज किया 80,000 रुपए का और उस पर 5,000 रुपए रिपेयर किया। मैंने कहा कि जैसे ही हम कोई चीज खरीदते हैं फिक्स असेट, चाहे वो पुरानी खरीदी नहीं खरीदी, उस पर तुरंत जो भी खर्चा होगा उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक का तुरंत खर्चा, चाहे वो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन वेजेस है, वो सारा का सारा किसमें इंक्लूड हो जाता है, उस प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोटर व्हीकल टोटल कितने का हो गया, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 80,000 + 5,000, 80,000 रुपए की खरीदी थी, 5,000 रुपए रिपेयर थी, जो कि इसी में दिखाना पड़ेगा, सारी की सारी अमाउंट चेक से दी है, तो टू बैंक कितना आ जाएगा 85,000। क्लियर हो गई बात। थर्ड एंट्री क्या कहते हैं, इसने आपको कुछ एंट्रीज दी है, देखिए क्या कहा उसने, चक्रवर्ती चतुर्वेदी, सॉरी चतुर्वेदी डेबिट 5,000, टू कैश, देखो हाफ एंट्री तो उसने खुद ही करके दे दी आपको, यहां अमाउंट नहीं दिया और यहां पर टू लिख के छोड़ दिया और यहां भी अमाउंट नहीं दिया। नरेशन में क्या कहता है, चतुर्वेदी अमाउंट अकाउंट सेटल्ड कैश डिस्काउंट 3%, चतुर्वेदी का जो अकाउंट है वो क्या किया, सेटल कर दिया। अब चतुर्वेदी जो है उससे 5,000 रुपए लेने थे, उसको कैश डिस्काउंट कितना दिया आपने,
3% का मतलब कितना हो गया 150 रुपए। 150 रुपए डिस्काउंट दे दिया आपने, यानी कि 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना हो गया 150। कितना आ गया 4850 के आ गया, 2 कैश आ गया। सिंपल, बहुत आसान था। उसके बाद फोर्थ में कहते हैं आपको उसने दिया है बैंक अकाउंट डेबिट। ये आपने आपको क्वेश्चन में उसने खुद दिया है। फिर एक यहां पर डेबिट लिखा और फिर कहते हैं टू, क्या कहा उसने इसके लिए नरेशन, 70 पैसे पर रूपी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ अशोका ऑन द इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अशोका से 8400 रुपए लेने थे, यहां पर उसने 8400 लिख रखा है, इसमें 70 पैसे। 70 पैसे का मतलब 8400 का 70 पैसे किसमें से, 100 में से 70% कितना हो गया 728, 2 7 56 और 2 58, 5880 रुपए मिले। तो बैंक अकाउंट कितना हो गया 5880, बाकी क्या हो गया बैड डेट्स हो गया, किसमें डाल देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 8400 में से 5880 घटाएंगे, जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। कितना बैलेंस आएगा 0, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2520 रुपए क्या आ गया आपका बैंक डेट्स का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस आप देख के वैसे ही घबरा गए इसको। उसके बाद देखिए आगे क्या है, फिफ्थ पार्ट है इसका, फॉर गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। उसने कुछ नहीं दिया आपको, सिंपल 3000 यहां दे दिया और 3000 यहां दे दिया, यहां डेबिट लिख दिया और नरेशन में दे दी कि प्रोप्राइटर ने क्या किया है, विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो आपको पता नहीं है ड्रॉइंग्स होती है, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट, सिंपल 3000 3000, आसान था। छठा एंट्री जो दी है उसमें क्या कहता है, फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड को 2000 रुपए रेंट देना बाकी है, तो खर्चा तो है ही, रेंट अकाउंट डेबिट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 2000 2000। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। उसके बाद 30th क्वेश्चन क्या है देखिए, वो भी बता रहा हूं यहीं पर, दोनों आपने प्रॉब्लम में दे दिया जो आपको होमवर्क दिया था। तो देखो 30th क्या है, उसमें एंट्री आपको गलत कर रखी है उसने, और आपको क्या करना है उसको ठीक करना है। देखो क्या है 30 में, उसने कहा परचेज ऑफ बिल्डिंग और पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन इस परचेज, इस पे जो ब्रोकरेज की वो और बिल्डिंग परचेज की 5 लाख की, ब्रोकरेज की 10,000 की, तो 5,10,000 रुपए की बिल्डिंग हो गई। उसने क्या किया, गलत एंट्री क्या की, रॉन्ग एंट्री उसने आपको दी है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट 5,10,000, 5,10,000, ये एंट्री कह रहा हूं। इसका कारण, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर स्टार्टिंग में जितने भी खर्चे होते हैं वो उसी में ऐड हो जाते हैं, तो यहां पर राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, राइट एंट्री होगी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 5,10,000। इसी तरह से गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गलत एंट्री क्या दी,
रॉन्ग एंट्री दी है उसने आपको कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल ली, तो रॉन्ग एंट्री दी है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसा थोड़ी ना होता है एंट्री में, गलत है ये। राइट क्या होगी, क्योंकि हमारी क्या हुई, परचेज घटी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट 12,012। उसके बाद क्या है, मई 16 को एक और गलत एंट्री दे रखी है उसने आपको, उसको ठीक करना है। क्या एंट्री दी देखिए, उसने दिया है फिलिंग कैबिनेट अकाउंट डेबिट इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है ये 4,2500 और 6,500, ठीक है 4,2500 और 6,500, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये रोंग है क्योंकि इसको एक ही एंट्री में डाल दे सकते थे हम, क्या कह सकते थे, ये दोनों चीजें क्या है हमारे लिए ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो फिलिंग कैबिनेट है वो क्या है आपका ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 रुपए, और इलेक्ट्रिक फैन जो है वो है फिक्स्चर्स एंड फिटिंग, फिक्स्चर्स एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट कितना 2500 टू कैश 6,500। देखिए जो चीज ऑफिस में यूज होती है उसको ऑफिस इक्विपमेंट रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फैन जो है वो फिटिंग जो है वो किसमें रखते हैं, फिक्स्चर्स एंड फिटिंग। उसके बाद मई 16 वाली एंट्री ये थी जिसको मैंने करेक्ट कर दिया। अब क्या है, मई 18 को एक एंट्री दे रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट दे रखी आपको 8,730 अमाउंट दे रखा है, ये एंट्री रॉन्ग उसने दे रखी आपको। अब राइट क्या करनी है, उसने कहा कि 10,000 रुपए की गुड्स 10% रेट डिस्काउंट पे 3% कैश डिस्काउंट पे क्या की हमने सेल की, 10,000 का 10% हो गया 1,000, 9,000 रुपए हो गया सेल्स, इसका 3% हो गया आपका 9,27,270 रुपए कैश डिस्काउंट, कितना आ गया 8,730 रुपए। तो ये कैश अकाउंट डेबिट, कैश में तो इतना ही आना था, कैश अकाउंट डेबिट 8,730, लेकिन जो ये कैश डिस्काउंट दिया है 270, इसको लिखना था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 270 टू सेल्स, सेल्स कितनी हो जाएगी 9,000। उसके बाद नेक्स्ट है 25 पैसे 1 रुपए में से रिसीव हुए नरेश से जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, एंट्री दे रखी है रॉन्ग एंट्री दी है आपको, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश कितना 10,000। फिर क्या कहता है कि नरेश ने कहा कि 25 पैसे ही रिसीव हुए हैं क्योंकि वो क्या हो गया, ये सोलवेंट हो गया, यानी कि ये जो अमाउंट है बैंक में जो आया 10,000 आया, ये कितना है 25%,
तो एक्चुअल में कितना लेना था हमें, वो कैसे पता लगेगा? 10,000 गुणा 100/25 कितना हो गया? 25×100 40,000 रुपए हमने क्या करने थे? लेने थे। 40,000 क्या करने थे? हमने लेने थे। हमने लिए कितने हैं? केवल 10,000 रुपए। ठीक है, 40,000 में से 10 रिसीव हुए, तो एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रिसीव हुए? 10,000। बाकी क्या हो गए? बैड डेट्स। कितने? 30,000 टू नरेश, 40,000। तो ये एंट्री रॉन्ग थी, ये क्या थी? राइट थी। वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपने आंसर में लिखी है। उसके बाद एक और एंट्री ऐसी ही लास्ट, क्या है इसमें? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश दे रखा है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है? 150। और नरेशन में क्या दिया आपको? बैंक मेड बाय चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक ने अपने सर्विसेज के काट लिए। बैंक आपसे कैश लेता है क्या? सर्विसेज, ये कहता है भी कैश देके जाओ? नहीं, बैंक तो आपके अकाउंट से डायरेक्टली काट देता है, कैसे मिसाता है। तो क्या एंट्री आनी चाहिए यहाँ? सिर्फ एक ही चीज होगी, कैश को हटाकर क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। तो ये एंट्री ठीक हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज इतना ही था, इसमें आपकी प्रॉब्लम थी था भी क्या, वरना तो आज चैप्टर तो ये खत्म ही हो गया था। ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई है। एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगले वीक आपका यूटी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।